रायता सालन पराठा, पराठा एंड को हो रहा है। यहाँ जी मैं कर रही हूँ नाश्ता, पराठा और सालन साथ में रायता। तो अभी बार बार जो ना गैस जा रही थी आ रही थी, फिर कभी लाइट नहीं है घर पे। सुबह से पता नहीं क्या हुआ, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं बता नहीं सकती। और आमना और मैं नाश्ता कर रहे हैं। आमना को पसंद है पराठा सालन चाय। गर्मा गर्म जिसने नाश्ता करना है तो आज ही नाश्ता कर लीजिए। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। मैं और आमना जल्दी उठे होते हैं, बाकी जो हमारे घर के पोस्ते हैं ना मेरे दूसरे बच्चे, वो नहीं उठते। वो अभी उठेंगे आराम से, 2-3 बजे तक उठती हैं नेस्तियाँ। मैं और आमना उठते हैं जल्दी। ब्लॉग में होगा देखा जाएगा, आप खाएंगे। देखो क्या हुआ। हाँ बिच्छी करके आ गई आप, आ जाओ आओ अपने बच्चों के पास आओ, आ जाओ ना बेटा, इधर आओ ना, यहाँ से जाओ ना, यहाँ से। ये रे बच्चे आपके, ये रे बच्चे आपके, आ जाओ। हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जाओ बच्चों के पास जाओ। वो देखो छो छो कर ले, और इसके बच्चे देखो ये चारों सो रहे हैं और ये मियाँ मियाँ कर रही है। अभी वॉशरूम के लिए गई थी ना, नीचे हमारी बिल्डिंग है उसमें चली जाती है वॉशरूम करके आती है। यहाँ ये कभी भी नहीं करती है, ये इतनी समझदार है। हालांकि जंगली बिल्ली है, मोहल्ले की है, लेकिन ये बहुत समझदार है, इसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल क्या रखते हैं जी, बस अल्लाह हमें दे रहा है तो हम भी इसका ख्याल रख रहे हैं। वैसे मेरी पर्सनल बिल्लियाँ हैं लेकिन मैं ऐसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि इसके बच्चे ना ये बैठे हुए ओ सो रहे हैं सारे के सारे। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखो जी इन्नी सोने सोने बच्चे इतने प्यारे हैं, है ना। बैठने लग जाएगी। अच्छा नहीं 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 मैं नहीं, वो देख रही होती है कि भाई ले तो नहीं रहे मेरे बच्चे। नहीं मानो, आपके बच्चे आपके पास ही रहेंगे, मेरी मानो के ना, मेरी मानो के बच्चे आपके पास ही रहेंगे ना भाई। और देखो कैसे उल्टू बाजियाँ लगाते हैं लोग ये देखो ये चार बच्चे दिए मानो के, चार बच्चे हैं है ना मानो। तो यहाँ पर जी सलामकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप लोग। तो शाम हो रही है और मेरे बच्चे मांग रहे हैं पराठा, तो अभी चाय बनाइए। और शाम के टाइम पे जो ना मेरे घर पे कभी पराठे बन रहे होते हैं, कभी पापड़ बना के इनको दे रही होती हूँ। शाम के टाइम पे आपको पता है जब बच्चे सारा सारे मिलके बैठे होते हैं ना, तो फिर खाना खा के इंसान सुनी होता है, पराठे बन रहे होते हैं या फिर कोई ना कोई आइटम मैं ज़रूर अपने घर में बनाती हूँ बच्चों के लिए, ताकि ये लोग जो ना, क्योंकि अभी आजकल हो रही है बड़ी मज़ेदार वाली सर्दी, तो बस मैंने कहा चलो चकोर तो पराठे बनाते हैं, साथ में चाय और सालन था। तो बच्चों ने कहा चलो अच्छा, अलग अलग फरमाइशों की बच्चों की ना जो ना फरमाइशी होती है कसम से, तो मुझे ये चाहिए तो मुझे वो चाहिए। अभी बनाया मैंने सालन तो बस बच्चों ने वो खाया, तो अभी एक बेटी को मुझे चाहिए पराठा। मैंने कहा चलो मैं पराठा बना देती हूँ तुम्हें, और तो बाकी बच्चों ने तो रोटी के साथ खा लिया, तो कह रही पराठा बना के दो। मैंने कहा चलो, जबकि पेड़े बड़े यहाँ रखे हुए रोटी के, मैंने कहा चलो पराठा बनाते हैं। पता है क्या, रोटी बना के रखती नहीं हूँ ना, बना के रख लूँ ना फिर ना ये होता है कभी गैस होती गर्म गर्म रोटी, पता सर्दियों में ना क्या होता है कि ना रोटी ना सूख जाती है, तो इसलिए मैं ना गर्मा गर्म बच्चों के लिए बना के फिर इनको खिलाती हूँ। लेकिन पता क्या मसला होता है, ये आजकल आपको पता ही है क्या मसला, ये कि ना गैस नहीं होती है, ये बड़ा गुस्सा होता है। तो रात को जब मैं दिल करता ना सर्दियों में कि भाई ये पराठे बनाए, आलू के पराठे बना लिए, कभी रात में ना कभी कुछ बना लिया, अक्सर रात में दिल करता है मंदिर बनाने के लिए। चले चकोर पराठा बन रहा है, जब तक मैं घी नहीं लगाती ना अच्छा खासा, इसमें घी लगना चाहिए तभी मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी पराठे जो होते हैं। तो खा पी के वहां चली गई हो है, बगैरतों की तरह खा लिए लोगों ने खाना, ये नहीं क्या बंद सामान उठाया जब खा लिया तो
को तो कोई नहीं खाया है। बच्चों के साथ ऐसे लगा रहता है। पहले बर्तन धो लेना इसका। वो जरा इसके बच्चे को देखा सो रहे जाग रहे इसके। सो गए नहीं मारे का देख लो ना नीचे गिर जाते हैं वो मेरी बिल्ली जो है ना। हाँ दिखाया नहीं आपको पराठा इसकी तो रोटी भी मैं बना रही हूँ और साथ साथ इनको देती जाती हूँ लोग खाते रहते हैं। तो चले जी और भी बहुत कुछ होगा ब्लॉग में तो आप लोग देखिए पसंद आएगा। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आलू मटर का सालन और अभी जो है सुबह हो चुकी है नाश्ता भी हमने कर लिया है और सोच रही थी क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रही थी मैंने कहा चलो आज आलू मटर का सालन बना देते हैं। मटर छील लिया अमना से बोला था मैंने छीलने के लिए ना उसने फिर मटर छील लिए और तेल देखा तो ये तेल इतना सा रह गया। चलो मैंने कहा थोड़ा सा ये डाल देती हूँ थोड़ा सा घी डाल देती हूँ तो दोनों मिक्स करके बना लेंगे लल्ला खैर सलाह। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मटर छील चुके हैं और अभी प्याज जो है ना ये छीलूँगी और आलू जो है नए वाले आलू जी बन रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही इनका तो छिलका आपको पता ही इतना सॉफ्ट होता है हल्का सा बस उतारना हो कोई वो नहीं है। तो मिलजुल कर हम लोग सारे काम कर लेते हैं फटाफट काम हो जाता है। तो ये छिलके रह गए इसके इसने कचरे में रखे हुए हैं। मैं सुबह से लगी हुई थी अपनी टैंकी साफ कराने में वो पता है क्या हुआ और टैंकी में ना कबूतर ना वो मर गया क्यों ऐसा मुझे गुस्सा आ रहा था ना सुबह से तो टैंकी वाले को बुलाया इतनी स्मेल आ रही थी उसमें से आज बड़ी परेशान हो गई हूँ। फिर वो गया है तो मैंने कहा चलो अब मैं सफाई हो गई है क्योंकि सुबह ना रात को ना पानी नहीं आना था तो मैंने कहा ये पानी जो ना हमारा सारा ज़ाया हो जाएगा ये बड़ा मसला। तो प्याज भी दो ही थे मैंने कहा नीचे जाऊँ या मैंने कहा छोड़ो दो ही हैं इससे बना लेती हूँ हमारी आराम से बन जाएगी। चले जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और जगह इतना तेल बहुत है घी डालने की जरूरत ही नहीं है खाली हो गई साड़ी बोतल। चलिए मिर्चें निकाल लेते हैं हल्दी कुटी हुई मिर्चें अरे जीरा भी खत्म गरीब हो गए हम गरीब हो गए हम अभी जाके ना सूटा भी लेकर मैंने कहा चलो अभी मैं ना जाऊँगी लेने के लिए तो फिर बहुत देर हो गई मैंने कहा चलो अभी मैं शाम में निकलूँगी ना फिर लेकर आती हूँ सारा सोडा एक के साथ एक फ्री ये बोतल सही रहती है उनको चिपकाओ और रख दो चले जी याद ही रहेंगे इसमें इतना मिर्ची वाला है प्याज है तीखा है अदरक लहसुन भी खत्म हो गया वो भी लेकर आना था मैंने कहा अपना शाम को जो कुछ भी आएगा शाम को ही आएगा अभी जाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी पानी की टैंकी थी ना जो ऊपर की टैंकी वो सफाई करवाई थी उसमें आपको बताया ना कि कबूतर मर गया तो उसको निकाला सफाई की सारी धुलवाई अंदर से सरफ वगैरह डलवा के सारा उसको धोया बेचारे ने और मैं सुबह से ना 3 घंटे मुझे उसमें लगे हैं यकीन जानेंगे 3 घंटे फिर कहीं जाके वो साफ उतरी हुई फिर पता कि रात को पानी आएगा ना तो वो फिर गंदा पानी ना हो ना
फिर बर्तन नहीं धुल रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, स्मेल इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, अल्लाह माफ करे। तो बस अभी जरा टमाटर ये काटूंगी अभी, और ये देखिए आलू काट लिए, सारा कुछ हो गया। चलिए अभी टमाटर की कटिंग शटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो खाना बड़ा अच्छा बन रहा है इस मौसम में, जो है ना मटर बड़े अच्छे आते हैं, तो आप लोग जो ना बनाइएगा, बड़े मज़े का बनेगा सारा ये, ठीक है। चलिए जी लाइट से हो गए हैं ब्राउन प्याज, अब क्या करना है, कितने गई मेरी छुरी, छुरी टमाटर ऐड कर देते हैं इसमें, जब जरूरत होती है ना तो गैस नहीं होती, जब हमें पानी गर्म करना होता है या खास कहीं हमें जाना होता है ना, फिर तो गैस में आना नहीं है ना, कभी जरूरत नहीं होती ना, फिर इतनी जब आज इतनी तेज आ रही है, अब गुस्सा आ रहा मुझे नहीं, जब हमें जरूरत होती है ना जब नहीं होती नमक जीरा भी ऐड करें, तवा धनिया इतनी महंगाई है तो मैं दिल करता है इतनी इतनी चीज़ें इस्तेमाल करें, समझो बड़ी महंगाई हो गई है, कुटी भी मिर्च है, हल्दी, आलू, मटर अभी नहीं डालूंगी, अच्छा पहले आलू को सारे मसाले को मैं भून लूँगी, और फिर एंड में क्योंकि मटर इतने सॉफ्ट होते हैं ना फटाफट भी गल जाते हैं, आजकल ना मटर बड़े प्यारे आ रहे हैं, हल्का सा पानी इसमें डालूंगी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भूनना है इसे, और भून के फिर जब फिर अभी मैं डालूंगी इसमें मटर, फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, और खाना हो जाएगा हमारा तैयार। साथ में जी रोटियां बनाई हैं, ठीक है, मैं डर के मारे जल्दी जल्दी खाना पका लेती हूँ पता, क्योंकि गैस नहीं होती ना, बाहर का खाना खाया नहीं जाता मेरे से, होटल का खाना आपको पता अच्छा भी नहीं होता, साफ सुथरा नहीं बनाते, पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, तो इसलिए फटाफट बना लेती हूँ ताकि बच्चे जो ना साफ सुथरा खाना खा लें घर में, भले आप दाल भी होती है ना घर की वो भी अच्छी लगती है आपको पता ही है, तो बस डर के मारे जो है ना मैं फटाफट जो ना बना लेती हूँ अपने घर में, ताकि ना बच्चों की सेहत ख़राब ना हो, ये अगरम शगरम चीज़ें हैं सारी ये रख देती हूँ मैं, इसलिए कि बिखरी चीज़ें ना किचन में अच्छी लगती, ये दो चीज़ें की जगह पर रख देती हूँ। आटे अभी आटा गूंदना है, रख दूँ ना आटा गूंद के वो सही लगता है। चलो जी यहाँ पर साफ सुथरा हो गया, सिंपल चीज़ें रहना फटाफट काम हो जाता है, करने वाला होना चाहिए इंसान, जब तक इसको भून लेते हैं, चलो टमाटरों की मैं पटाई कर लेना, वैसे ढेर टमाटर लेना जब तक इनकी पटाई ना हो इनको सुकून नहीं मिलता, और मुझे कूटने में इनको बड़ा मजा आता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी क्या करें, सब्सक्राइब भी लाजमी क्या करें, ठीक है, इससे पता चलता है आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। चलें जी
बुनावा को दिखाती मैं आपको सलाद में। वो दूर से मैं ना वीडियो बना रही थी ना तो आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा करीब से आपको दिखा दी क्योंकि कैमरा मेरे मेरा कोई नहीं है ना, मैं खुद बनाती हूँ ना, मेरी ही अपने काम मैं सारे खुद करूँगी। बच्चे मेरे पढ़ाई में लगे हुए होते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता उनको डिस्टर्ब करना। तो भाई अदरक लहसुन नहीं था मेरे घर पर, बस आपने क्या करना है सारा कुछ आपको बता दिया दिखा दिया। तो आपने क्या करना है, अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, और खाना आपका रेडी हो जाएगा। सही, कितनी आसान रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं, पकाना भी आसान, खाना उससे ज़्यादा आसान। चले तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर। बिल्ली आई थी ना तो वॉशरूम जाती है, जिसके बच्चे बताए थे ना मैं आपको, तो वो ना वॉशरूम करने जो ना हमारी बिल्डिंग में ना नीचे चली जाती है, वो मतलब इतनी तमीज़दार है यकीन नहीं करेंगे आप। तो उसके बच्चे वो कहती है मेरे बच्चे भाई आवाज़ देती है, देखो अभी आवाज़ दे रही है। तो वो आई थी वॉशिंग करके तो घर पे आ गई है, तो भाई हम मासूम बच्चे हैं उसके, तो आ चुकी मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। वैसे भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया था उसको, उसके बच्चे भी दिखाए थे। चले जी खाना हो चुका है तैयार, हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है, और जी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल कौन सा आप लोगों का क्या दिखाएँगे सब आप लोगों को करेंगे शेयर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।